हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे मैथ्स वाला। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मैथ्स वाला से संबंधित जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उनका अध्ययन किया स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया कि मैक्स वेबर का जन्म जो है जर्मनी में हुआ। कहाँ के थे ये? जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के नगर में मैक्स वेबर का 1864 में जन्म हुआ स्टूडेंट्स। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम इनकी बुक्स जो है, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है, उन महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो है उनकी, दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है, उस पुस्तक के बारे में बताया। साथ ही ये बताया था स्टूडेंट्स कि इस पुस्तक के अंतर्गत मैक्स वेबर ने विश्व की 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि हालांकि जो मैक्स वेबर थे वो क्या थे, कानून के विद्यार्थी थे, लेकिन कानून के साथ साथ इन्हें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इसके अलावा स्टूडेंट्स, मार्क्स वेबर को धर्म और इतिहास में भी काफी रुचि थी। इसीलिए तो उन्होंने 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था। कौन सी पुस्तक में? दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अंतर्गत। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक जो आती है स्टूडेंट्स, इनकी दूसरी पुस्तक कह लीजिए, जो कि है धर्म का समाजशास्त्र। कौन सी पुस्तक स्टूडेंट्स? धर्म का समाजशास्त्र। इस पुस्तक धर्म का समाजशास्त्र पुस्तक, ये भी स्टूडेंट्स, इसका ये जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की गई। किंतु एक महत्वपूर्ण बात देखिए स्टूडेंट्स, मैक्स वेबर की ये महत्वपूर्ण बात नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बात कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम, कि मैक्स वेबर की जो कृति थी धर्म का समाजशास्त्र, ये उनकी कृति उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो पाई थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैक्स वेबर जो थे वो 33 वर्ष की आयु में काफी बीमार हो गए थे, इसीलिए उनका 56 वर्ष की आयु में गंभीर बीमारी की वजह से क्या हो गया था स्टूडेंट्स, देहांतवास हो गया था। तो उनकी जो कृति है धर्म का समाजशास्त्र, वो कृति जो है वो उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो पाई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो तीन ग्रंथ हैं, वो तीन ग्रंथ जो है वो प्रकाशित हुए। पहला ग्रंथ उनका जो था हिंदू सोशल सिस्टम। कौन सा स्टूडेंट्स? हिंदू सोशल सिस्टम, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होने वाले ग्रंथों के अंदर सम्मिलित है, हिंदू सोशल सिस्टम। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ स्टूडेंट्स, दावी लगा सकते द हिंदू सोशल सिस्टम। कौन सा स्टूडेंट्स? द हिंदू सोशल सिस्टम, जो कि 1950 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ स्टूडेंट्स। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होने वाला, वो है द रिलीजन ऑफ चाइना।
ये कब प्रकाशित हुआ स्टैंड? सन 1951। ये भी इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होने वाला दूसरा ग्रंथ था स्टैंड। तीसरा जो है वो ग्रंथ है द एंशिएंट जुडिशियल। कौन सा स्टैंड्स तीसरा ग्रंथ इनका? द एंशिएंट जुडिशियल, जो कि कब प्रकाशित हुआ स्टैंड्स? 1952। तो स्टैंड्स आपको इन तीनों ग्रंथों के नाम और सन भी याद करने हैं। कौन कौन से स्टैंड्स? हम बुक की किसकी बात कर रहे थे? धर्म का समाज शास्त्र की बात कर रहे थे स्टैंड्स। ये भी इनके जीवन काल में जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी। साथ ही साथ इनके मृत्यु के पश्चात जो तीन ग्रंथ जो है स्टैंड्स प्रकाशित हुए, जिसमें द हिंदू सोशल सिस्टम 1950 में प्रकाशित हुआ, द रिलीजन ऑफ चाइना जो है 1951 में प्रकाशित हुआ, द एंशिएंट जुडिशियम 1952 जो है में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी जो पुस्तक है तीसरी और महत्वपूर्ण पुस्तक जो है स्टूडेंट, पहले कौन सी थी? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरी पुस्तक कौन सी थी स्टूडेंट्स? धर्म का समाजशास्त्र थी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टूडेंट्स द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी स्टैंड? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा चौथी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है एसेज इन सोशियोलॉजी। कौन सी है? एसेज इन सोशियोलॉजी। कौन से स्टूडेंट्स? एसेज इन सोशियोलॉजी जो है वो भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। जो है वो भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के अंतर्गत आती है स्टूडेंट्स। इसके अलावा द सिटी भी मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी स्टूडेंट्स? द सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। कौन सी स्टूडेंट? एसेज इन सोशियोलॉजी द सिटी किसकी पुस्तक है? या मैक्स वेबर की गिनी दो पुस्तकों के नाम बताइए, इत्यादि जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। या फिर स्टूडेंट्स जो मैक्स वेबर की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होने वाले जो ग्रंथ हैं वो कितने थे? तीन थे। और कौन कौन से थे? प्रकार से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट वो काफी बनते हैं और इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो उनकी मृत्यु के पश्चात वाले जो ग्रंथ हैं ये तीनों आप अच्छे से याद करिएगा, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण।